एक अर्जेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग आपके साथ डीजी में यूटिलिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है यूटिलिटी का और आज की क्लास में ही हम आपको यूटिलिटी के अंदर फिनिश कर देंगे। सबसे पहले आपको यूटिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब क्या है? जैसे बीजी में बहुत सारे फंक्शन है, ऐसे ही कुछ अलग से एड ऑन आपको अगर डालने हो बीजी के अंदर, जैसे कस्टमाइजेशन रिपोर्ट हो गई, वैलिडेशन हो, उन पर्पस के लिए आप बीजी में यूटिलिटी का यूज करते हैं। यूटिलिटी कस्टमाइजेशन का सबसे पावरफुल फंक्शन है। अगर आप बीजी में कोई एड ऑन बनाते हैं या अपनी कोई रिपोर्ट बना के बीजी के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यूटिलिटी के थ्रू करोगे। तो आज हम आपको बीजी में यूटिलिटी के बारे में बताएंगे और साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जो पहले आपने नहीं देखी होगी बीजी के अंदर। क्लियर? और अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग बीजी की पेनड्राइव क्लासेस परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने बीजी के हर एक टॉपिक को कवर किया है, तो आप हमारे लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। उसकी इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करें, आपको जो भी इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और आज हम यूटिलिटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बीजी को ओपन करता हूं। मैंने यहां से बीजी ओपन करा, ये मेरा बीजी ओपन हो रहा है। बीजी ओपन हो जाने के बाद हम एक ही कंपनी लेंगे जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस। हम ओपन कंपनी पे गए, हमने यहां से अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड डाला। मैंने यहां लिखा बीजी और यहां भी लिखा मैंने बीजी और मैंने इस कंपनी को ओपन कर लिया। कंपनी ओपन हो जाने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, थॉट ऑफ द डे, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट एज अ विश। ठीक है, गोल जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे वो आपकी एक विश की तरह ही है, आपकी इच्छा की तरह। अगर आप बात करें तो यूटिलिटी में आएंगे, सबसे पहले मिलता है डाटा फ्रीजर। अगर आप अपने डाटा को फ्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस डाटा को कोई दूसरा बंदा ओपन ना कर सके, तो उस केस में आप यहां पर आए, ओपन इन द सेंस कि वो चेंज ना कर सके, बस आपको यहां आना है। जैसे आप यहां होगे, टाइप ऑफ डाटा फ्रीजन आपको फुल करना है या पार्टली करना है, ठीक है, या पार्शल करना है। मैंने कहा फुल करना है तो फुल पर क्लिक कर, कब तक डाटा को फ्रीज करना है? मैंने कहा डाटा मेरा जो है वो 20/4 तक का फ्रीज हो जाए। तो जैसे ही मैं डाटा को फ्रीज करूं और सेल में जाकर अगर मैं किसी की डेट चेंज करना चाहूं या कुछ और करना चाहूं, तो देखो मैं जैसी डेट पर जाऊंगा बीजी मुझे रेड कलर से इंडिकेट करेगा। यहाँ डेट क्यों चेंज हो गई? क्योंकि 20/4 तक का मैंने फ्रीज करा था। अगर मैं कोई और ऐसा बिल ओपन करूं जो 20/4 से पहले तक का था, देखिए बीजी मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि वहां मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एंटर रेड कलर की आ रही है। मैं किसी ऐसी एंट्री खोलू जो 19 तारीख की, तब भी रिस्ट्रिक्शन लग गई है। तो आप बीजी के अंदर अपने डाटा को फ्रीज करना चाहते हैं कि एक डेट के बाद मेरे डाटा में कोई भी इंटरफेयर ना कर सके, तो उस केस में आप बीजी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कर सके। लेकिन आपने कहा नहीं सर सेल में ना कर सके, बाकी सब में कर दे, तो मैंने इस टॉपिक को नो करा, दोबारा आया, मैं फुल पर नहीं गया, पार्शल पे गया, इंटर मारा। जैसे इंटर मारा, सबसे पहले मुझे वाउचर टाइप अप्लाई फ्रीजर इनटू सीरीज बताना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे परचेज में करना है ऑल सीरीज, कब तक? 20/4 तक, तो मैंने 20/4 लिख दिया। सेल रिटर्न में चाहिए तो वो लिख दो, ऐसे पेमेंट में चाहिए तो आप पेमेंट कर सकते। तो आप यहाँ पर साथ साथ आप चाहते हो कि मेरे आइटम का ओपनिंग बैलेंस चेंज ना हो, मेरी आइटम का ओपनिंग बैलेंस चेंज ना हो, तो अगर आप इस टॉपिक को अनेबल कर देंगे, तो अगर आप कोशिश करें कि मैं अपने आइटम के ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर दूं, वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि बीजी अब यहाँ पर हमें रेड कलर से शो करेगा। तो लिखा है डाटा हैज बीन फ्रोजन। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर अपने डाटा को बहुत अच्छी तरीके से सेव करके रख सकते हैं। साथ साथ अगर हम जाएं तो इसके अंदर यूटिलिटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, रेफरेंस मैनेजमेंट। ये टॉपिक मैंने आपको तब सिखाया था जब बीजी में आप बिल टू शिफ्ट कर रहे थे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से एक पार्टी ओपन करता हूँ जिसका नाम है a.j.s फैशन, ये पार्टी मेरी ओपन हो रही है, ओपन हो गई। इसमें से मैं बाकी चीजें नो कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है ओपन होने में, मैं इसे नो कर देता हूँ। अब इस पार्टी ने ये हमसे मान लिए, लेकिन अब हुआ क्या, जब मैंने इस पार्टी को बनाया था तो गलती से मैं इसके अंदर रेफरेंस देना भूल गया, या मैंने रेफरेंस तो दे दिए लेकिन मैंने इसे ऑटो एडजस्ट नहीं करा। मतलब मैं पहले इसके रेफरेंस जनरेट करना चाहता हूँ, मैंने बिल बाय बिल टॉपिक को एनेबल करा, मैंने यहाँ पर 3 दिन का उधार पीरियड देकर मैंने इस बिल को सेव कर। अब मैं ये चाहता हूँ इन सभी का ऑटो रेफरेंस बन जाए, तो इस स्टेप में, इस केस में आप रेफरेंस मैनेजमेंट पे आओगे, यहाँ से ऑटो एडजस्ट रेफरेंस पे जाओगे, बिल वाइज रेफरेंस पे जाओगे, और जैसे या तो ऑल अकाउंट कर सकते हो, ग्रुप ऑफ अकाउंट कर सकते हो, या फिर वन अकाउंट। मैंने कहा मुझे वन करना, और जैसे ही इंटर मारूंगा और यस करूंगा तो देखिए इन सभी का अब रेफरेंस बन जाएगा। ओल्ड प्लस एल करो, पार्टी को ओपन करो, और जैसे ही आप पार्टी को ओपन करेंगे तो आप देखिएगा इन सभी का रेफरेंस बन जाएगा। आप यहां सेव करेंगे F2 करके, तो देखो यहां डेट ऑटोमेटिक आ गई।
अगर आप इस बिल को ओपन करेंगे तो इसका रेफरेंस भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब अगर कभी आपसे ऐसा हो जाए कि आपने बीजी के अंदर कोई रेफरेंस बिल बाय बिल टॉपिक नो कर दिया लेकिन आप बाद में उसे अनेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले में आएंगे, आउटस्टैंडिंग के अंदर आएंगे, बिल रिसीवेबल पर वन अकाउंट, और यहाँ से जैसे ही पार्टी डालेंगे तो आपको देखिए वो सारे बिल आपके यहाँ शो हो जाएंगे। ये सभी बिल आपके अभी ऑटो रेफरेंस मतलब अभी पेंडिंग है, क्लियर। साथ साथ सपोज आपको किसी पार्टी ने पैसा दिया या ऐसी पार्टी ने पैसा दिया, टोटल इसने जो पैसा दिया है ना, इसने 5 बिल का पैसा दिया है। मैंने ओल्ड प्लस एल करा, ओल्ड प्लस एल करा, पार्टी का नाम डाला, इसने ऊपर के 5 बिल की पेमेंट करी, 2,24,882 रुपए की इसने पेमेंट कर दी। ठीक है, मैं यहाँ आया, पार्टी का नाम डाला 20 स्टार, और अब मैंने क्या करा, पार्टी का नाम डाला और टोटल इसके जितने पैसे से वो लेके मैंने इसको सेव कर दिया। लेकिन जब इसने मुझसे रेफरेंस मांगा तो मैंने रेफरेंस को स्कैप कर दिया और फटाफट इस बिल को मैंने सेव कर दिया। लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया तो रेफरेंस मुझे क्लियर करने थे, तो उस केस में अगर मैं इसे क्लियर नहीं करूं और बीजी में ओन अकाउंट एंट्री पर जाऊं, वन पार्टी को ओपन करूं, तो आप देखेंगे वो 2,24,000 रुपए मेरे ओन अकाउंट में पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने उसे किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करा, क्लियर। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसको एडजस्ट करना, तो मैं इस केस में कहाँ जाऊंगा, डिस्प्ले में ऑटो एडजस्टमेंट रेफरेंस पे आऊंगा, यहाँ से मैं वन अकाउंट कर दूंगा, पार्टी का नाम टाइप करूंगा, जैसे ही इंटर मारूंगा तो आप देखना अभी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। हो गया, आप डिस्प्ले पर जाओ, बिल रिसीवेबल पर आओ, वन अकाउंट्स को क्लिक करो, और जैसे ही आप इंटर मार के ओपन करोगे, जो जो बिल की आपकी पेमेंट थी वो सारी ऑटो एडजस्ट हो गई। और अगर आप ओल्ड प्लस एल करते हो, ए डॉट जे डॉट फैशन में जाते हो, और जैसे ही आप इस पे इंटर मार के दोबारा करोगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक रेफरेंस अपने आप ले लेगा, इस तरीके से ले लेगा। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो रेफरेंस लेता है ये फीफो मेथड पे लेता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपका पहले होगा सबसे पहले उसको पिक करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। इस तरीके से ये बीजी के अंदर ऑटो एडजस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, तो आप क्लियर रेफरेंस पे जाएं, बिल वाइज रेफरेंस, ऑर्डर वाइज रेफरेंस, कोटेशन रेफरेंस और चलान रेफरेंस, आप सभी को क्लियर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बीजी के अंदर में रेफरेंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो हम यहाँ से जाके बीजी के रेफरेंस के टॉपिक को डिसेबल कर दें और वहां से यहाँ से सारे रेफरेंस को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद आता है रेफरेंस मैनेजमेंट विजार्ड। अगर आप किसी के रेफरेंस को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस रेफरेंस के बारे में समरी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बिल रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड। विजार्ड बताता है कि आपका जो ये बिल है वो कब इसकी पेमेंट आई, इस बिल की कब पेमेंट आई, इस बिल की पेमेंट कब आई, इस बिल की पेमेंट कब आई, तो ये आपको पता करना हो तो आप उस बिल का नंबर डालेंगे, तो यहाँ से आपको इस तरीके से रेफरेंस मिल जाएगा। तो आपको समझ आ गया रेफरेंस मैनेजमेंट क्या होता है, वो इस तरीके से काम करता है। इसके बाद सेंड ईमेल आती है। अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं या एक जैसी मेल सभी पार्टियों को करना चाहते हैं, तो आप उस केस में क्या करें, यहाँ पर वन अकाउंट है, यहाँ ग्रुप ऑफ अकाउंट है, आप यहाँ ग्रुप ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करें, सभी डॉक्टर्स को टाइप करें, मेल बॉडी क्या रखना चाहते हैं या आप कोई पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं, तो आप यहां से पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अटैच फाइल बन कर सकते हैं या फिर कोई बॉडी पे बना सकते हैं। अच्छा, टू तो वो अपने आप उठा लेगा पार्टी के नाम के अंदर से, सीसी अगर आपको कोई डालना है वो डाल दो, बीसीसी डालना है, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब होता है बिहाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में सामने वाले को पता चलता है कि इसको भी आपने मेल करिए, लेकिन बीसीसी में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने सामने वाले को मेल करिए या नहीं करिए, क्लियर। तो आप यहाँ पर जाएं, और मैं यहाँ ऑल अकाउंट तो नहीं लेता लेकिन किसी एक अकाउंट को पिक कर लेता हूँ। इसको पिक करने के बाद मैं इसे ओल्ड प्लस एम करता हूँ और यहाँ से इसकी मैंने मेल डाली हुई वो सेव कर दी। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ से जो भी मेल चाहूं या जो भी अटैचमेंट चाहूं वो मैं ला सकता हूँ। मैं यहाँ गया, अब यहाँ से मैं डी ड्राइव का पाथ दे दूं और मैंने इसे ओके कर दिया, क्लियर। और जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक करूंगा, सब्जेक्ट इज ब्लैंक, तो अगर आपका सब्जेक्ट ब्लैंक है तो लिखो, ठीक है, इंडिया, मैंने क्लियर सर प्लीज फाइंड फाउंड योर फाइंड एक्सेल फाइल, क्लियर, और मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ये मेल मैं भेज सकता हूँ बीजी में, ठीक है, मेल सेंड सक्सेसफुली। आप चेक करना चाहें तो आप वहां जाकर मेल पर चेक कर सकते हैं, आपकी मेल बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। इस टॉपिक का यूज तब किया जाता है बीजी में जब आप एक से ज्यादा ईमेल अपनी पार्टियों को भेजना चाहते हैं, चाहे वो किसी फेस्टिवल की हो या आप कोई इवेंट करने जा रहे हो उसकी हो, तो उस समय ये आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप बीजी में इस टॉपिक का यूज वहां कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर। चलें,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंड एसएमएस। अगर आप एसएमएस करना चाहते हैं तो आप यहां पर आए। इसका भी मेन पर्पस, अगर आप एक से ज्यादा एसएमएस एक बार में करना चाहते हैं तो आप सेंड एसएमएस में आकर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा होता है मोड फॉर मैसेज सेंडिंग। क्या जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसका मोड क्या रखेंगे, फोन रखेंगे या फिर इंटरनेट रखेंगे। बेसिकली फोन कौन नहीं रखता, लेकिन हम आजकल इंटरनेट रखते हैं। तो हमने इंटरनेट टिक किया। इंटरनेट के साथ इसने पूछा पिक मोबाइल नंबर फ्रॉम अकाउंट, कि जो आप मोबाइल नंबर पिक करोगे अकाउंट नंबर से पिक करोगे या मैन्युअली डालोगे। मैंने कहा कॉमन सी बात है, मैं अकाउंट नंबर से पिक करूंगा। क्लियर। अगर आप एक्सेल शीट से पिक करना चाहें तो एक्सेल शीट से कर सकते हैं, और अगर आप वाउचर से पिक करना चाहें तो आप वाउचर से भी पिक कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब और कौन सा नंबर पिक करवाना है। ठीक है, मैक्सिमम केस में हम लोग अकाउंट से पिक करते हैं, वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट या फिर सिलेक्टेड अकाउंट। हमने यहाँ से वन रखेंगे तो वन का नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक। अगर हम ग्रुप करेंगे तो हम यहाँ से सैंडी डेप्टर्स और क्रिएटर्स का कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो मैंने यहाँ से वन ले लिया, इसके बाद नंबर टाइप कर दिया मैंने अपना 9210161 32। अच्छा, इसके बाद आपको पीडीएफ, देखो जब आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हो या एक साथ से ज्यादा मैसेज आप भेजना चाहते हो तो उस केस में हम लोग पीडीएफ बहुत कम भेजते हैं। पीडीएफ भेजोगे तो उसका एक लिंक बन के जाएगा, लिंक पर क्लिक करेगा तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ मैसेज लिख सकते हैं कि हैप्पी होली। ठीक है, आप लिख दें यहाँ पर हैप्पी होली। ठीक है, फिर थैंक्स एंड रिगार्ड, जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बस आपको सेंड, लेकिन कोशिश है कि आपकी एक एपीआई बनी होनी चाहिए। जब तक एपीआई नहीं बनी होगी आप नहीं कर सकते। एपीआई बनाने के लिए मैंने एसएमएस के अंदर आपको भरपूर पूरी तरीके से सिखाया। बस आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है और देखिए सेंड करते ही सामने वाले को मैसेज पहुंच जाएगा, और जैसे ही मैसेज पहुंचेगा आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो एसएमएस वन डिलीवरी हो गया, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर सी। क्लियर, तो आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आप इस मैसेज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेंड नोटिफिकेशन, आपको पता होगा नोटिफिकेशन भी आ जाती है कई बार। ठीक है, जैसे आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से भेज सकते हो। इसके बाद ऑफलाइन ईमेल एसएमएस, अगर जो भी आपके मैसेज नहीं जा पाते वो सब ऑफलाइन के अंदर आकर सेव हो जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से एक बार में सेंड कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ ऑटोमेटिक, जैसे आपका कई बार नेट नहीं चल रहा, आप ईमेल करना चाहते हैं लेकिन ईमेल करने के बाद नेट नहीं है तो आपका वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं जैसी मेल आए वो ऑटोमेटिक चला जाए, तो बस आप इस पर क्लिक कर दें सेंड मैसेज ऑटोमेटिकली। क्लियर है, और इस तरीके से आप इसको सेंड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर यूजर का नाम होता है, किस यूजर को आप अलाउ कर रहे हो तो आप उस यूजर के थ्रू कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो सारा, और यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो। तो ये ऑफलाइन है, अगर आपका कोई मैसेज नहीं जाता वो सारे मैसेज यहाँ आकर आपके स्टोर हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद नीचे टॉपिक आता है आपका नोट मैनेजर। आपको याद होगा नोट्स मैनेजर मैंने आपको तभी सिखाया था जब हम आपको अकाउंट्स फीचर ऑप्शन में जनरल टॉपिक सीख रहे थे। अगर आप यहां से अपना कोई रिमाइंडर लगाना चाहते हैं तो आप F3 करके यहां से बना लीजिए। मैंने लिख दिया GST रिटर्न, ठीक है, और मैंने इसे यस कर दिया। प्लीज इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म मी टू 10th मई, ठीक है, 2020, और कब, हर घंटे बताए, और कब को, 10 तारीख को। तो जैसे ही 10 तारीख आएगी हर मुझे एक घंटे बाद बिजी एक मैसेज देगा, साथ साथ जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ग्रीन कलर बताएगा ये अभी एक्टिव है, ब्लू कलर बताएगा अभी इनएक्टिव है, और रेड कलर बताएगा ये अभी पेंडिंग है। तो आप यहाँ से एक्टिव मोड पर डाल दीजिए इसको, ठीक है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कंपनी को ओपन करेंगे अपने आप नोट्स मैनेजर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं F3 करें और यहां से F8 करके डिलीट कर दें। इसके बाद नीचे आता है हमारा ब्लॉक अकाउंट आइटम। अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर दें। जैसे मैंने यहां से एक पार्टी ले ली फैज, और मैंने कहा मैं इसे सेल नहीं करना चाहता, ब्लॉक, और सिलेक्ट मैं ऑल भी कर सकता हूं या फिर सिलेक्ट, मैं लिखा फैज, फैज ट्रेडिंग कंपनी आर नॉट गुड पार्टी, और मैंने यहां पर सेव कर दी। सेव करने से ये फायदा हुआ कि जब मैं इसको सेल करूंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्लियर, देखिए थोड़ा समय लग रहा सेल को ओपन होने में, एंटर मारा यस करा तो यहाँ मैसेज आ गया फैस्ट ट्रेडिंग कंपनी आर नॉट गुड पार्टी। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते।
दूसरा आप चाहते हो कि वो किसी एक वाउचर के अंदर ना कर सके, किसी एक वाउचर में ना कर सके, तो आप सिलेक्ट में जाकर बोल सकते हो कि सेल में ना कर सके बाकी सब में, तो आप ये कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो आपको डिस्प्ले में, चेक लिस्ट में, यहाँ से लिस्ट ऑफ ब्लॉक मास्टर मिल जाएंगे। आप चाहते हो फास्ट ट्रेडिंग कंपनी मुझे पार्टी शो ही ना हो, तो आप डी एक्टिवेट मास्टर पे आना, इंटर मारना, अकाउंट सिलेक्ट करना और यहाँ से फास्ट ट्रेडिंग कंपनी का बस नाम डाल दो। अब चाहे तुम ओल्ड एल करो या कहीं भी जाओ, वो पार्टी आपको शो नहीं होगी। आप ओल्ड प्लस एल करो, यहाँ से फास्ट ट्रेडिंग डालो, तो आपको कहीं शो नहीं होगी। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में, चेक लिस्ट में, लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेट मास्टर में जाएंगे तो यहाँ से आपको फास्ट ट्रेडिंग कंपनी दिख जाएगा। इसके बाद नीचे हमारा लास्ट टॉपिक आता है मैपिंग ऑफ मास्टर। इस टॉपिक का यूज आप तब करते हो, जैसे मैंने यहाँ से कोई पार्टी लिखी फैज, मैंने लिख दिया a.j.f. अगर आप इसे किसी के साथ मैप करवाना चाहते हैं तो मैंने कहा ये इसके साथ तो मैप कर सकते हैं। पता है इसका यूज क्या होता है? जब तुम अपनी कोई भी डाटा XML से उठाकर बीजी में लाते हो तब ये मैपिंग करता है। क्या करता है? ये मैपिंग करता है। जैसे सपोज दैट मेरे पास ये मान लो डाउनलोड में एक मैपिंग वाली फाइल पड़ी थी, ये देखो ये मेरी XML फाइल है। अगर मैं इसे इंपोर्ट करता हूं, मैं सेल परचेज में आया, मान लो मुझे तुमने सेल करी, अब मुझे वही एंट्री परचेज में करनी, तो लोग क्या करते हैं XML फाइल भेज देते हैं। मैं पेस्ट पर गया, पेज पे जाने के बाद मैं XML पे गया, यहाँ से मैंने सबसे पहले तारीख सिलेक्ट करी, 24 करा, वाउचर नंबर टाइप करा, यहाँ से मैंने एल आइटम वाइज लिया, पार्टी का नाम टाइप करा, मेन स्टोर लिया और इसके आगे बढ़ गया। फिर मैं गया पेस्ट, XML पे आया, मैंने यहाँ से डाउनलोड का पाथ दे दिया वही, और मैंने इसको ओपन कर दिया ये फाइल। और जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो देखो ये अब मैप करेगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर किसके साथ मैप करना है, या जिसके साथ आप मैप करना चाहोगे वो कर। तो अगर तुम इसे ऑलरेडी मैप करके रख दो कि अगर कभी भी इस तरह की पार्टी आती है तो वो इस नाम को पिक कर ले। मैं अकाउंट्स में गया, मैं लिखा s.s सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, नाम की पार्टी अगर आए तो उसे आप बीजी इंफोटेक के नाम से टैग कर देना। मैंने टैग कर दिया। अब मैं इस बिल को इंपोर्ट करता हूं, तो मैं इंपोर्ट पे आया, सबसे पहले मैं यहां से डेट डालूंगा, मैंने 21/4 डाला, वाउचर नंबर डाला, डायरेक्ट लिखा, एल आइटम वाइज पे गया, यहां से मैंने पार्टी का नाम डाला, कौन सा था बीजी इन्फोटेक, हमने वो ले लिया, यहां से इंटर इंटर और F12 करा, XML पे गया, डाउनलोड पे आया और मैंने उस फाइल को क्लिक करा, इंटर मारूंगा, देखो अब इसने मैपिंग मुझसे नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि मैंने बीजी को पहले ही बोल दिया कि आप मुझसे मैपिंग के लिए पूछना ही मत। क्यों नहीं पूछना? जब अगर इस नाम की पार्टी है तो कई बार हम पार्टियों को मैप करा देते हैं कि जब इस नाम की पार्टी है तो उसके साथ पिक कर लेना, तो ये मैपिंग के समय यूज होता है।